हम बात कर रहे हैं MMTC की। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो 1% के ऊपर के अपसाइड के साथ स्टॉक ने क्लोजिंग दिखाई है। 100 के लेवल को ब्रेक डाउन कर जाता है तो 90 तक का फॉल स्टॉक दिखा सकता है, हमने ऐसा डिस्कस किया था। और देख सकते हैं स्टॉक 90 के आसपास से ही हमको अगेन इसमें बाइंग देखने के लिए मिल रही है, लेकिन स्टॉक है गिरावट में, लगातार गिरावट दिखा रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा हम इंतज़ार करेंगे, क्योंकि देख सकते हैं जंप पर स्टॉक रिजेक्शन फेस कर रहा है, रिजेक्शन पर रिसेंट लो ब्रेक डाउन हो रहा है। यहाँ से जंप आता है तो 93-94 तक का भी स्टॉक जंप दिखा सकता है रिजेक्शन के साथ। अगर 90 का लेवल ब्रेक डाउन कर जाता है तो फिर वैसी सिचुएशन में नेक्स्ट जो मेजर सपोर्ट रहेगा, देख सकते हैं इससे पहले स्टॉक में बड़ी बाइंग कहाँ से देखने के लिए मिली थी, ऑलमोस्ट 84-85 के लेवल से बड़ी बाइंग, बड़ा जम देखने के लिए मिला था। तो फिर 84 तक का फॉल स्टॉक दिखा सकता है, फिर यहाँ से आगे इन स्टॉक में रिकवरी के चांस बनेंगे। लेकिन अगर ब्रेक डाउन नहीं करता, इसी सपोर्ट से बाउंस बैक करता है, तो इमीडिएट टारगेट बनेगा। इससे पहले स्टॉक ने जहाँ रिजेक्शन फेस किया था 95-96 का लेवल, और इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो मेजर रेजिस्टेंस 100 का लेवल, जहाँ पहले हमको सपोर्ट लेते नज़र आया था। ब्रेक डाउन किया है तो फिर बड़ी गिरावट, तो 100 के लेवल इसका मेजर रेजिस्टेंस है। ब्रेकआउट अगर कर जाता है तो फिर वैसी कंडीशन में यहाँ से और अपसाइड दिखा सकता है, फिर और अप ट्रेंड हमको MMTC में देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन 100 का लेवल मेजर रेजिस्टेंस रहेगा, तो इसके आसपास थोड़ा सा हम अवेयर रहकर चलेंगे। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।